मुरादाबाद के थाना मंझोला क्षेत्र स्थित दिल्ली रोड पर एक कार शोरूम में लगी आग से इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब आग की लपटें उठने लगी और चारों तरफ धुएं का गुंबार फैल गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं, क्योंकि आग पेट्रोल पंप के नजदीक लगी थी, जिसके चलते आसपास के लोगों में भगदड़ का माहौल बन गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। दरअसल घटना देर शाम उस समय सामने आई जब दिल्ली रोड स्थित कुंदन पेट्रोल से सटे हुए 3M कार कैश शोरूम के पिछले हिस्से में आग लग गई और देखते देखते चारों तरफ धुआं फैल गया, क्योंकि शोरूम में प्लास्टिक और फोम का सामान मौजूद था, इसलिए आग की लपटें आसमान की तरफ बढ़ रही थी। बढ़ती आग के चलते पेट्रोल पंप और आसपास के लोगों का हुजूम मौके पर लग गया। शोरूम मालिक ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी और वहां मौजूद लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन प्लास्टिक के सामान में लगी आग बढ़ती ही जा रही थी, जिसे कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आकर काबू में किया। शोरूम स्वामी ने बताया कि पिछले हिस्से में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी, उनका लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। वहीं फायर ब्रिगेड इंस्पेक्टर ने बताया कि सूचना मिलते ही 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। अभी नुकसान का आकलन नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले आधे घंटे से आग बुझाई जा रही है। कुमार जी, कैसे आग लगी है बताइए? शॉर्ट सर्किट हो गया, पीछे से उसके सर्किट शॉर्ट हो गया तो उसकी वजह से आग लग गई। कितना नुकसान हुआ? लगभग 4-5 लाख। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? एसेसरी, कार। कार की एसेसरीज? कार की। तो क्या ये कितना, मतलब आपको लगता है किस तरीके से क्या कमी रही जिसकी वजह से आग? वही शॉर्ट सर्किट हो गया, पीछे टायर वगैरह रखे थे। आग लगने की मिली यहाँ की जो है एयर सेंटर है, कार के एयर सेंटर, जिसमें आग लगी है। तत्काल हमारी 2 गाड़ियाँ रवाना हुई, मुझे सोचना नहीं, मैं तो सुबह यहाँ वापस आ पहुँच गया। कितने का नुकसान बताया जा रहा है? अभी कुछ नहीं नुकसान, किसी ने कुछ नहीं अभी बताया, अभी आग बुझाई जा रही है। कितनी देर हो गई, कितना समय लग गया आग बुझाने में? लग गया कम से कम आधा घंटे लग गया। किस चीज़ की दुकान बताई जा रही है? ये मोटर पार्क एयर वगैरह सेंटर है, ये इसमें लगी है। सर, ये पेट्रोल पंप के बराबर में ही आग लगी है, क्या इसमें कोई आगे जांच वगैरह करी जाएगी? पेट्रोल पंप के नज़दीक जो है इस तरीके से जांच तो किसकी की जाएगी? अब हर आदमी बना रहा है, घर घर में काम कर रहा है, इसका मतलब थोड़ी हमारा आदमी बंद करा तो।